अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो आईलाइनर के ऊपर है। हुडेड आइज पे किस तरीके से विंग लाइनर क्रिएट किया जा सकता है, इसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाने वाली हूँ मैं आज आपको। और जो लाइनर आज मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मेरे पास मेबलिन का जेल लाइनर, और उसके साथ मैं क्रायलॉन का ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ जो मैं आपको इसको शो करा रही हूँ। इसकी टिप बहुत बारीक है। अब हुडेड आइज़ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि जो लाइनर है वो आपने अपनी लोअर लैश लाइन से शुरू करना होता है, जैसा कि आप इस वक्त वीडियो में भी देख रहे हैं। अब मैं आपको ये शो करा रही हूँ कि ये जो आपकी हुड जहाँ बन रहा है उससे थोड़ा सा नीचे आपने एक डॉट लगाना है, और उस डॉट को अंदर की तरफ ले जाते हुए अपनी आइज़ के साथ मिला देना है, और नीचे से जो है वो आँख को फिल कर देना है लाइनर की मदद से। उसको हम बाद में नीट करेंगे। हल्के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रोक लगाने हैं ब्रश के, और ब्रश की जो को स्लाइड रखना है, यानी खड़ा नहीं रखना, और छोटे छोटे स्ट्रोक लगाने हैं, जैसे कि आप इस वक्त वीडियो में मेरी देख रहे हैं कि मैं आहिस्ता आहिस्ता लगा रही हूँ, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए इसको समझना भी। अब हम जो हमारा आइज़ का एंड का पोर्शन है वहाँ से अंदर की तरफ लेके आएंगे। अगर हम इस तरीके से लाइनर को लगाएं तो एक लाइनर बिल्कुल स्मूथ तरीके से आँख के साथ जो है वो लग जाता है, क्योंकि वो आँख की शेप के साथ आपका ब्रश खुद ब खुद उसको ले आता है। अब मैं ये इनर कॉर्नर बना रही हूँ। इनर कॉर्नर आपने बहुत बारीक सा बनाना है, और फिर जब आपने दरमियान में आना है अपनी आँख की जहाँ आपकी लिड है उस पर आपने आके इसको थिक करना है। देन मैं फिर ये पीछे से ले कर, ये देखिएगा जिस तरीके से मैंने लिया, आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि इस तरह लगाने से किस तरीके से बिल्कुल आइज़ के साथ एक सीधी लाइन क्रिएट हो जाती है। अब मैं ये अपना विंग सही कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि आपका विंग जो है वो थोड़ा नीट नहीं है, तो आप एक इस तरह के स्ट्रेट ब्रश के साथ जो है कंसीलर लगाएंगे, और अब ये ब्रश की टिप क्योंकि स्ट्रेट है तो वो हमारे लाइनर को बहुत ही एक शार्प एज दे देगी, जैसा कि आप मेरी वीडियो में भी देख रहे हैं। ये मैंने कंसीलर के साथ अपना लाइनर जो है वो बिल्कुल सेट कर लिया है। ये तो था एक सिंपल अगर आपने विंग लगाना है। अब मैं अपने लाइनर को थोड़ा मोटा कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक अब इसी लाइनर को एक लॉन्ग विंग की, एक कैट आई विंग की शक्ल देने लगी हूँ। तो उसके लिए पहले मैं इनर कॉर्नर को मज़ीद थोड़ा मोटा कर रही हूँ। अब आप देखिएगा कि मैं इसी लाइनर को किस तरीके से एक कैट आई विंग की शक्ल देती हूँ। अब हम उसी जगह से जहाँ पे हमने पहले लाइनर ड्रैग किया था उसी की मदद से, उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले समझाया, कि वहाँ से लाइन को अंदर की तरफ लेकर आएंगे, जैसा कि आप भी मेरी वीडियो में भी देख रहे हैं। इस तरीके से बहुत ही स्ट्रेट एंड शार्प लाइन जो है वो हमारी क्रिएट हो जाती है। छोटे छोटे स्ट्रोक आपने लगाने हैं। अच्छा, अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ अपनी आइज़ पर, और मस्कारा लगाने के बाद आप फाइनल लुक देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत एक विंग लाइनर क्रिएट हो गया है। मुश्किल नहीं था इतना, थोड़े से ट्रिक्स एंड टिप्स को आप फॉलो करके अच्छे तरीके से एक अच्छा सा स्ट्रेट विंग लाइनर क्रिएट कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।